हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हमें जो है एक कैटेगरी ऐड करनी है हमारे डेटाबेस में, यानी कि डेटा अपलोड करना है हमारे डेटाबेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे और हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन पे चलना है और हमें हमारी स्टोरेज की डिपेंडेंसी जो है वो अपलोड करनी है, सॉरी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम चलेंगे स्टोरेज सेक्शन में, एंड्रॉयड, गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ से वन बाय वन स्टेप जो है फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो इसे कॉपी करते हैं, चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, ग्रेडल फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद कर लेंगे सिंक। ओके, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हमारी कैटेगरी एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। देन हमें जहाँ पे यहाँ पे हमें डेटा अपलोड करना है। और यहाँ पे डेटा अपलोड करने से पहले एक और चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने URI यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इमेज का। तो ऊपर चलेंगे एकदम प्राइवेट URI इमेज। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हम डेटा अपलोड करने वाले हैं, ओके क्लिक लिसनर यहाँ पे, और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, इफ़ इमेज इज इक्वल्स टू null। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज शो कर देंगे, प्लीज सिलेक्ट योर इमेज, और देन उसके बाद रिटर्न। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में हमें हमारा डेटा जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमें हमारी क्वेरी सेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, अपलोड फाइल्स। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक स्टोरेज रेफरेंस क्रिएट करना है। अपलोड फ्रॉम लोकल फाइल, ओके URI पुट फाइल मेथड का यूज़ करना है हमें। देन उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड URL हमें जो है वो भी फेच करना है। तो ओके, गेट डाउनलोड URL, तो यहाँ से हमें डाउनलोड URL मिलेगा हमारे इमेज का जो जो हम अपलोड करेंगे। ओके, तो वापस से आ जाते हैं कैटेगरी एक्टिविटी पे और यहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर एक मेथड जो है क्रिएट कर लेते हैं, अपलोड प्राइवेट void अपलोड डेटा। ओके, और ये मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपलोड डेटा। ओके, अब इसके अंदर हमें कोड सेट करना है। तो सबसे पहले स्टोरेज रेफरेंस क्रिएट करना है। तो स्टोरेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू Firebase storage dot get instance dot get reference। ओके, यहाँ पे नाम तो सेट ही नहीं किया हमने, स्टोरेज रेफरेंस। देन उसके बाद हमें जो है इमेज जहाँ पे अपलोड करनी है वो रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो स्टोरेज रेफर इमेज रेफरेंस नाम रखते हैं इसका, इमेज रेफरेंस इज इक्वल्स टू स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और हमारी एक कैटेगरीज फोल्डर है, ओके कैटेगरीज डॉट चाइल्ड, और इसके अंदर यहाँ पे हमें जो है हमारा इमेज का जो नाम है वो हमें पास करना है। तो इमेज डॉट गेट लास्ट पाथ सेगमेंट, ओके ये इमेज नेम रिटर्न करता है ये मेथड। तो यहाँ पे डॉट चाइल्ड हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिया है, इमेज रेफरेंस। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली एक अपलोड टास्क क्रिएट करना है। ओके, और स्टोरेज रेफरेंस के अंदर जो है हमें फाइल हमारी पुट करनी है। देन उसके बाद ये मेथड, तो एक काम करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और स्टोरेज रेफरेंस के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ये रेफरेंस जो है इसे कर लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे अपलोड टास्क
अपलोड टास्क इज इक्वल्स टू इमेज रेफरेंस और पुट फाइल यहाँ पे इमेज, देन ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पे भी ऑल्ट एंटर इंपोर्ट, यहाँ पे भी ऑल्ट एंटर इंपोर्ट, ओके, और अगेन यहाँ पे स्टोर इमेज रेफरेंस, सॉरी, और यहाँ पे भी इमेज रेफरेंस, ओके, गेट डाउनलोड यूआरएल, देन यहाँ पे डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल तो स्टेटमेंट रन होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट रन होगा। तो एल्स पे क्या करेंगे, सिंपली टोस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, टोस्ट मैसेज यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी सेम चीज पेस्ट, ओके, देन हमें क्या करना है, इफ टास्क इज सक्सेसफुल तो डाउनलोड यूआरएल अब हमें जो है स्टोर करना है, तो उसके लिए अगेन ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग डाउनलोड यूआरएल, ओके, और इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे हमारा रिजल्ट, डाउनलोड यूआरएल इज इक्वल्स टू टास्क डॉट गेट रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे हमें डाउनलोड यूआरएल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें डाउन इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब इमेज के बाद जो है यहाँ पे हमें कैटेगरी नेम जो है वो ऐड करना है, ओके। तो अब कैटेगरी नेम हमें कैसे पता पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी कैटेगरीज हमारी लोड करवा ली है, तो दो कैटेगरीज है, तो वन टू, और नेक्स्ट जो न्यू कैटेगरी होगी वो इसके अंदर हम जो है अपलोड करेंगे, यानी कि कैटेगरी थ्री करके, देन उसका नाम सेट और यूआरएल, ओके। तो इस तरीके से हमें जो है अब यहाँ पे एक और मेथड हमें क्रिएट कर लेना है, प्राइवेट वॉइड अपलोड कैटेगरी नेम, ओके, और यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस के अंदर जो है हमें डेटा अपलोड करना है रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, तो अगेन जो है डॉक्यूमेंटेशन हमें ओपन कर लेना है वापस से, एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, डाउनलोड यूआरएल के बाद यहाँ पे पहले हम हमारे मेथड जो है अपलोड कैटेगरी नेम ये कॉल कर लेते हैं, देन अपलोड कैटेगरी नेम यहाँ पे हम कॉल करेंगे, हमारा मेथड सेट करेंगे, तो वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ओके, फाइन, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या हमारा एक मैप क्रिएट कर लेंगे हम, हैश मैप, ओके, मैप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, के ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, देन मैप के अंदर हमें कौन कौन सा डेटा जो है वो पुट करना है, नेम सेट्स और यूआरएल, ओके, ये सेम चीज़ें होनी चाहिए, ओके, मैप डॉट पुट नेम, ओके, यहाँ पे कैटेगरी नेम, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, देन उसके बाद नेम के बाद सेट्स, ओके, सेट्स तो यहाँ पे ज़ीरो, देन उसके बाद यूआरएल, तो यूआरएल में हमारे पास है डाउनलोड यूआरएल, ओके, हमारा मैप रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये यहाँ तक हमें रेफरेंस क्रिएट करना है कैटेगरी थ्री करके, ओके, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, फायरबेस डेटाबेस, डेटाबेस इज इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, ओके, अब डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ओके, चाइल्ड क्या है हमारा,
कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर एक और चाइल्ड क्रिएट करना है, कैटेगरीज डॉट चाइल्ड और यहाँ पे कैटेगरी प्लस, और यहाँ पे हमें नंबर प्रोवाइड करना है 1, 2, देन 3। तो नंबर कैसे हम निकालेंगे देखते हैं। हमारे पास अडेप्टर या फिर लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास लिस्ट है। ओके लिस्ट है कैटेगरी मॉडल, तो ये लिस्ट की जो साइज़ है वो हमें प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे लिस्ट डॉट साइज डॉट सेट वैल्यू, ओके। और यहाँ पे मैप जो है वो पास कर देंगे, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल तो इफ स्टेटमेंट रन होगा वरना एल्स स्टेटमेंट रन होगा। और अगेन एरर मैसेज यहाँ से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ओके। तो उसके अंदर नहीं जाना है। अब अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करना है और हमारे अडेप्टर को रिफ्रेश करना है, ओके। नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, अडेप्टर के अंदर एक और डेटा हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टास्क अगर सक्सेसफुल तो लिस्ट डॉट ऐड न्यू कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें पैरामीटर पास करने हैं, नेम सेट्स और यूआरएल। तो नेम क्या होगा हमारा, सेम कैटेगरी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, देन सेट्स 0, और यूआरएल हमारा डाउनलोड यूआरएल, ओके। देन अडेप्टर, ओके अडेप्टर हमने ग्लोबली जो है डिफाइन नहीं किया है लगता है, कैटेगरी अडेप्टर, ओके। तो इसे कर लेते हैं ऊपर लिस्ट के नीचे कर लेते हैं प्राइवेट कैटेगरी अडेप्टर अडेप्टर। देन चलते हैं नीचे, अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, ओके। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी और फाइनली हमें जो हमारा जो डायलॉग है वो भी शो करना है। तो यहाँ पे तो हम कर लेंगे लोडिंग डायलॉग डॉट डिसमिस, और शो कहाँ करवाएंगे, अपलोड डेटा मेथड के अंदर लोडिंग डायलॉग डॉट शो। देन अगेन अगर यहाँ पे टास्क फेल हो जाता है तो हमें यह करना है लोडिंग डायलॉग डॉट डिसमिस, और यहाँ पे भी कहाँ पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे ही फेल हो जाते हैं तो लोडिंग डायलॉग डॉट डिसमिस, वरना कंटिन्यू लोडिंग डायलॉग शो होते रहेगा और फाइनली जब टास्क यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तब हम डिसमिस करेंगे, ओके। तो ऑलमोस्ट हमने कोड सेट कर लिया है, ओके। तो एक बार रन करके चेक करते हैं, मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे इनिशियली दो कैटेगरीज हैं। तो ऐड करते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं, ओके। देन उसके बाद कैटेगरी नेम नेचर, ओके ऐड, ओके। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हैं एक बार डेटाबेस में पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से रिलोड करते हैं डेटाबेस को, ओके डेटाबेस, ओके। हमारी कैटेगरी 3 यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है, तो एक बार इमेजेस में जाके चेक करते हैं, स्टोरेज कैटेगरीज, ओके। यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है, देन उसके बाद वाली प्रोसेस जो है वो नहीं हुई है, तो क्या प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे रूल्स भी चेक कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे रूल्स देख सकते हैं आप, स्टोरेज के रूल्स रीड एंड राइट अलाउ है, आप भी रीड एंड राइट अलाउ कर लीजिएगा, ओके। देन उसके बाद डेटाबेस के रूल्स एक बार चेक करते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट फॉल्स है, तो इसकी वजह से हमें एरर आ रहा था, तो यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं, पब्लिश, ओके। स्पेलिंग गलत है, ट्रू,
पब्लिश। ओके अब वापस से ट्राई करते हैं एक बार, अगेन ऐड करते हैं। ओके सिंपली ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर आ चुका है, हमारी इमेज भी जो है ऐड हो चुकी है। और अब एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं डेटा, और यहाँ पे भी कैटेगरी 2। ओके कैटेगरी 3 करना चाहिए था, यहाँ पे कैटेगरी 2 हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम जो है कैटेगरी 3 अगेन कर लेंगे। हमें यह करना है साइज +1 कर देना है। ओके बट यहाँ पे 2 क्यों आया? ओके 2 ही आएगा, हमें साइज +1 करना है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे सिंपली एक ही चेंज करना है, बाकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। बाकी हमारा जो कोड है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। हमें जहाँ पे हम कैटेगरी नेम अपलोड कर रहे हैं, ओके रेफरेंस यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट साइज, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे। ओके लिस्ट साइज +1, इसे कर लेते हैं ब्रैकेट। ओके लिस्ट साइज +1, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने जो है इमेज हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड करना सीख लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।